परफेक्ट मैच है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बैगेज होंगे, जहाँ भी होंगे, जिधर भी देख रहे होंगे, अगर आप लोग मेरे पिछले ब्लॉग फॉलो कर रहे होंगे तो आप आइडिया होंगे कि आई एम इन आयरलैंड। और आज का प्लान ये कि आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर सम आइलैंड्स ऑफ द कोस्ट ऑफ नॉर्वे, अराउंड आइलैंड्स। इनमें से सबसे जो बड़ा आइलैंड है इनिशमोर, वहाँ पर जा रहा हूँ। और ये जो लाइन है ये उसकी फेरी के लिए है, तो आई एम ऑल्सो वेटिंग इन द लाइन। और उसके बाद जो है वापसी पे जो है क्लिप्स ऑफ मोर्स, फेमस क्लिप्स ऑफ मोर्स हैं, वो एक्सप्लोर की जाएंगे। लेकिन सबसे पहले अराउंड आइलैंड्स। फेरी लेके मैं अराउंड आइलैंड्स पहुंच गया। मेरे पास मैच मैप है, मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ ये। सो फेरी वॉज 1.5 आवर, आई टुक इट फ्रॉम हियर। ये यहाँ पे ये डोलन एक्लिप्स ऑफ मोर है और ये आइलैंड्स है। तो उसने एक स्टॉप यहाँ पे लिया है कि ये लिया है, ये इनिशमोर जो सबसे इनका बड़ा आइलैंड है, तो यहाँ पे मैं इसको एक्सप्लोर करने के दो ही तरीके हैं, या तो आप यहाँ पे मिनी बस ले सकते हो या फिर बाइसाइकिल्स। मैं बाइसिकल्स वाला तरीका अपना रहा हूँ, तो अभी जाके यहाँ सबसे पहले बाइसिकल राइड कर दी। ये जी बाइक रेंट की है, बहुत ही खसी बाइक दी है इन्होंने। और अगर मुझे वो पहाड़ी में भी ऊपर नीचे को थोड़ा सा रॉकी हुआ फिर तो फटनी है इस पर तस्ती। अगर तो हुआ ठीक है, वो बीच के साथ साथ है फिर ठीक है। तकरीबन 10 किलोमीटर है यहाँ से एक फोर्ट, तो वहाँ पे जा रहा हूँ। सो अभी मैं टॉप ऑफ द हिल हूँ, यहाँ पे जो कैसल है डोन अगेंस्ट है। बाइसाइकिल हमें नीचे खड़ी करनी पड़ी क्योंकि ऊपर लाने की इजाज़त नहीं थी। इस कैसल का बचा हुआ कुछ भी नहीं है, थोड़ी सी दीवारें दूरी हैं, लेकिन मेरी यहाँ पे मेन आने की रीज़न है वहाँ यहाँ की क्लिप्स हैं, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप उनका व्यू चेक करें, ऐसी डेंजरस किस्म की हिल्स हैं, टोटल ड्रॉप 90 डिग्रीज नीचे, बहुत खूबसूरत हैं। ये कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बाइक्स हैं और मुझे नहीं पता इनमें से मेरी कौन सी है। मेरी जो थी उसकी सीट थोड़ी ऊंची थी, वो को ले गया। मैं भी यहाँ से किसी न किसी की पकड़ के जाता हूँ। अभी मेरा प्लान है, यहाँ पे एक रेडबुल कैमेट होता है, रेडबुल क्लिफ, जब भी एक नेचुरल सब वो है, वहाँ पर जा रहा हूँ। तकरीबन यहाँ से 15 मिनट की बाइक है, फिर 10-15। So guys, now it's time to explore Cliffs of Moher, the famous cliffs of Ireland. मेरे ख्याल में यहाँ की सबसे बड़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है ना वो यही है, आयरलैंड की क्लिप्स ऑफ मोर। तो अभी मैं इंतजार कर रहा था, ड्रोन की बैटरी चार्ज कर रहा था, तो मैंने सोचा कम से कम एक पूरी हो जाए तो आराम सुकून से वहाँ पे मूवी वगैरह जो भी बनाना है, वीडियो वगैरह।
ये जो कोस्टल वॉक है ना ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर 5.5 किलोमीटर है, और वो जो एक सेकेंड वो जो आप देख रहे हैं ना टावर एक छोटा सा यहाँ पे जाके ख़त्म होती है, तो बंदा पूरी भी कर सकता है, लेकिन डिपेंड करता है मैं